गुड आफ्टरनून, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं स्काई ट्यूटोरियल से स्काई ट्यूटोरियल कबीरनगर दुर्गापुर में या इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग जो कि 15 सालों से चल रही है। खास बात है कि इसके जो टीचर्स हैं वो भी 15 सालों से कोई चेंजिंग नहीं है और यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE हो दोनों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि आप लोग 10th के बच्चे हो, 10th के बच्चे आप यूपी बोर्ड और CBSE में अंतर क्या है जानते हो क्या? सिर्फ लैंग्वेज का सिलेबस दोनों का सेम है। अगर आप लोग अभी से फाउंडेशन कोर्स करते हो तो आपका बेस तैयार होगा। बेस जैसे तैयार होगा आप बहुत से टाइम में इंजीनियरिंग या मेडिकल निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपका परक 50 का फर्स्ट राउंड का टेस्ट लाया हूँ, इस टेस्ट से आपको फ़ायदा है। अगर जो भी बच्चे फोर्थ सेकेंड थर्ड कर रहे हैं 3 बच्चों को मुझे प्राइज देना है। ठीक है, दूसरा सेकेंड राउंड का जो टेस्ट होगा वो हमारे सेंटर पे, उस टेस्ट से फ़ायदा है। अगर आप अंडर 50 आते हो तो लॉजिंग फूडिंग और एजुकेशन यानी रहना खाना पढ़ना तीनों फ्री हो जाएगा, कुछ नहीं करना, कोई चार्ज नहीं देना है। यह एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ है, टफ इसलिए है कि पूरा बोर्ड पैटर्न का सिलेबस है। दूसरा टफ होने का रीज़न है कि बनारस से सटे हुए 8-10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, आसान है क्यों? क्योंकि पूरा बोर्ड पैटर्न का सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना, जो हमारा सेंटर को होगा उसका डेट मैं जिस दिन प्राइजेस की बुक करने आऊँगा उस दिन अनाउंस कर दूँगा कि किस डेट को हमारे सेंटर पर कैसा सेम पैटर्न जो अभी मैं फॉलो कर दिया फर्स्ट राउंड का टेस्ट होगा उसी पैटर्न का एग्ज़ाम होगा हमारे सेंटर पर। ठीक है, ये टेस्ट की बात होगी। दूसरा मैं रिजल्ट की बात करूँ, हमारे भाई इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग है तो रिजल्ट तो होना चाहिए। कैसा रिजल्ट है हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट करने का एक रीज़न भी है कि आपके क्षेत्र से एक बच्चा हमारे यहाँ से रिजल्ट दिया है, वो भी यूपी बोर्ड का है, अनुराग मिश्रा है, SB पब्लिक स्कूल है, BS पब्लिक स्कूल, ये सलाहपुर वाले। ठीक है, वहाँ का बच्चा हमारे यहाँ से रिजल्ट दिया है इसी साल, वो भी यूपी बोर्ड का बच्चा है और फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजल्ट दिया है उसने। उसका रीजन है उसका बेस तैयार था, उसने फाउंडेशन कोर्स किया। फाउंडेशन कोर्स होता क्या है, जैसे आप 11th के साथ एकेडमिक के साथ साथ आप अपना जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स नेवी रेलवे बैंकिंग जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे हमारे इंजीनियरिंग में मेडिकल कोचिंग, अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बेस तैयार होगा और अधिकतर रिजल्ट देखा गया है कि जो बच्चे फर्स्ट टर्म में जो रिजल्ट देते हैं वो फाउंडेशन किए हुए बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो और अपने आप को परखो। पढ़ने का रीजन है जैसे हम लोग दो टर्म एग्जाम दे रहे हैं, पहला टर्म आपका आपके स्कूल में हो रहा है, दूसरा सेकेंड राउंड का हमारे सेंटर को, तो बहुत अच्छा एग्जाम होता है। निकले या ना निकले आपको दो फायदा हो रहा है, पहला इसी बारे में आपकी अकेडमिक की अच्छी तैयारी हो जाएगी, दूसरा आपका अगर वो एग्जाम निकल जाता है तो लॉजिक फूडिंग और एजुकेशन की फायदा होता है। मान लो दोनों नहीं निकलते हैं तो एक्सपीरियंस मिलेगा आपका, एजुकेशन फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना जिससे आपको उसका फ़ायदा मिले और जो भी आपको टेस्ट दे रहे हो या दोगे उसका आंसर की मैं नोटिस बोर्ड में डाल दूँगा, आपको मिलना। ठीक है, क्लास, थैंक यू।